है तो एवरीवन, आज है 11th ऑफ जून और मेरा पतिदेव का बर्थडे, तो उन्हीं की बर्थडे की वजह से आज मेरा वीडियो स्टार्ट हुआ है डायरेक्ट किचन से। एक्चुअली हुआ ये है कि मैं हूँ मायके में और वो है मेरे ससुराल में, मतलब अपने घर में। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ना हम लोगों ने बहुत कुछ सोच के रखा था, क्योंकि शादी के बाद उनका पहला बर्थडे था। मैंने तो बहुत कुछ सोचा था कुछ कुछ करेंगे, लेकिन हो नहीं पाया। तो दुख तो थोड़ा थोड़ा है, लेकिन फिर भी जो है वो है। तो मैंने दीदी और बच्चों को बुला लिया था पार्टी करने के लिए विदाउट बर्थडे बॉय। तो इसी वजह से ना किचन पर लगी हूँ, और दीदी बहुत दिनों से बोल रही थी कि उनको नान और बटर चिकन खाने का मन हो रहा है। तो मैंने भी सोच लिया कि मन भी हो रहा है और पार्टी भी देना है, तो यही सही मौका है। तो इसीलिए उन लोगों को बुला लिया था और वो लोग आ गए थे, और हम लोग बस किचन में नान बनाने को मतलब स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अब यूट्यूब से वीडियो देख देख के बना रहे थे, क्योंकि रेस्टोरेंट में तो बहुत खाया है, बहुत अच्छा भी लगता है हम लोगों को, लेकिन कभी बनाया नहीं है। तो इसीलिए अब भगवान जाने क्या होगा, लास्ट तक पता चल जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। और फिर हम लोगों ने बनाना स्टार्ट किया, बहुत इजी प्रोसेस से ही बनाया, और दीदी बोलते जा रहे थे, मैं बस डालती जा रही थी। तो यही प्रोसेस अब क्या ही समझाऊँ, हम लोगों का ही फर्स्ट टाइम था। फिर भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ, तो जो जो समझ में आए वो आप लोग देख के बना लीजिएगा घर पे अगर चाहिए तो। और बहुत अच्छा अच्छा वीडियोस है भी वो यूट्यूब पे, तो उधर से देख के बना के ज़रूर खाइएगा। तो चलिए आज का वीडियो बस ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। मेरा था थी, मैं अगर कुछ गलत बोल लिया हूँ तो प्लीज़ क्षमा मांगते हैं हम, क्योंकि थोड़ा थोड़ा गलती तो होना ही है। बस स्टार्ट ही किया है हिंदी बोलना। तो मैदे को ऐसे गूंद दिया था दही से, और फिर मेरा ऑर्डर आ भी गया था। जो मैंने ऑर्डर किया था बटर चिकन और सिंपल चिकन करी, वो बनाया नहीं था, वो ऑर्डर कर दिया था। और फिर थोड़ा देर रेस्ट देने के बाद मैदा जो है वो रेडी हो गया था, और मैं यहाँ पे बेल रही थी थोड़ा सा नान के जैसा शेप देके। इतने अच्छे से तो नहीं आता, फिर भी देखने में थोड़ा नान नान लगे ऐसा करके शेप दे रही थी। और उधर दीदी गैस पे बना रही थी नान, तो चलिए देखते हैं कैसा बनता है। और बेलना जब हो जाएगा तब हम नान के एक साइड में पानी लगा देंगे थोड़ा थोड़ा करके, और पानी लगाने के बाद एक साइड सूखा ही रखेंगे और एक साइड पे पानी लगाएंगे थोड़ा थोड़ा करके सिपचिपा करके। और फिर उसके बाद जिस तरफ हम पानी लगाएंगे उस तरफ मतलब तवे में उस तरफ से डाल देंगे। और ये हमारा पहला वाला नान रेडी हो रहा है, पता नहीं कैसा बनेगा। एक नान तो उधर बन रहा था, फिर दूसरे वाले मैं बनाने ही वाली थी, तो दीदी ने बोला कि ऐसा मैं जैसा सेब दे रही हूँ ना लड्डू, मतलब मैदे के लड्डू पे वैसा करके बेलने से वो बबल्स निकलता है नान पे, तो मैं वही कर रही थी। और ये रहा हमारा पहला वाला नान जिस पर दीदी बटर लगा रही थी, और ये दूसरा वाला भी रेडी हो रहा था। और इधर हमारी फांजी स्कूल से आ गई थी पूरी भूखी प्यासी, तो पहले तो उनके लिए सर्व कर रहे थे हम ये नान और बटर चिकन। वो सिंपल चिकन करी नहीं खाएगी, तो इसीलिए उनके लिए सिर्फ बटर चिकन वो सर्व कर रही थी। और ये भी देखने में बहुत ही ज़्यादा यमी लग रही थी, आप लोग देख ही सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी देखने में ही। तो वही पहले फांजी को खिला लेते हैं, और फिर उसके बाद हम गरम गरम नान बनाते भी रहते हैं, और उसके बाद हम लोग खाएंगे। और फाइनली ये हमारा नान पूरा बनके रेडी हो चुका था, अभी टाइम है टेस्ट करने का। तो ये हम लोगों ने प्लेटिंग वगैरह भी कर लिया था, दीदी और मैं खाएंगे अब। और ये रहा बटर चिकन, और ये रहा सिंपल वाला चिकन करी जो बहुत ही ज़्यादा ऑयली दिख रहा था, मसालेदार दिख रहा था, तो उसको हम बाद में खाएंगे, पहले तो हम ये बटर चिकन से ट्राई करते हैं। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएगा। और कल जो है ना मेरा पति भी आ रहा है, तो हम लोग पोस्ट बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, तो कैसे करेंगे वो आप लोगों को शॉर्ट्स में देखने को मिल जाएगा, तो ज़रूर देखिएगा मेरा शॉर्ट्स वीडियो। और अभी हम टेस्ट करते हैं, और पहला दिन हिसाब से ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था नान, खा के बहुत ही अच्छा लगा। एकदम परफेक्ट तो नहीं बना था, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, लेकिन खा के बहुत अच्छा लगा, और बटर चिकन भी बहुत ही ज़्यादा यमी था। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।